शांतिर्भवतु। संपन्न बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इसी कार्यक्रम की श्रृंखला के परंपरा के अनुसार हम कुलगीत अपनी करते हैं विश्वविद्यालय की। इसके लिए हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर आशीष जायसवाल जी को, उनके साथ तबले पर निर्मल कुमार युवंशी जी और हारमोनियम पर पवन जी उनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, आप कुलगीत के लिए कृपया स्क्रीन पर आ जाएं। मनोहर Thank you.
नमस्कार सभी गुरुजन विद्वजन को मैं प्रणाम करती हूँ। आज बहुत ही पावन दिवस है, इस अवसर पर मैं सभी शिक्षक बंधुओं को शुभकामनाएं देती हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU संगीत एवं मंच कला संकाय
वाद्य विभाग द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान माला में मैं सभी विश्वविद्यालय से जुड़े गुरुजन, विद्वज्जन, शोधार्थी, विद्यार्थी, प्रतिभागी, श्रोतागण, हमारे सभी संकाय के सदस्य का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमारे संकाय की परंपरा रही है पुष्पांजलि देने की, तो मैं सबसे पहले माता महासरस्वती जी, पंडित महा मदन मोहन मालवीय जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, पंडित लाल मणि मिश्र जी, और आज जो पावन दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के श्री चरणों में हृदय से रूपी मैं पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यह आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है, और साथ ही मैं संगीत जगत में अतुलनीय योगदान देने वाले संत संगीतज्ञ पंडित जसराज जी, जिनका गायन हमें ईश्वरीय ऊर्जा से हमें जोड़ देता है, तो मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही हमारे पंडित सुधीर माइकर जी, जो बहुत ही तबले के क्षेत्र में अनमोल रत्न रूपी पुस्तकें दे के गए हैं इस जगत में, मैं हृदय से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित गिरीश चंद श्रीवास्तव जी, जो तबले में बहुत अनेक पुस्तकें लिखे हैं, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अमूल धरोहर है, तो मैं हृदय से उनको भी श्री चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इन महान विभूतियों ने जो संगीत जगत में, भले वो शरीर नहीं रहे, लेकिन उनके किए गए इतने कार्य, इतने जो महान कार्य कर गए हैं, और अनेक जो शिष्य हैं वो निश्चित है वो शरीर नहीं है, लेकिन वो अमर है, अजर है और वंदनीय है। मैं बहुत ही वाद्य विभाग से उन महान विभूतियों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का शुरुआत करती हूँ। तो आज जो ये विशिष्ट व्याख्यान माला आयोजित हो रहा है, मैं सारे विद्वज्जन जो आमंत्रित हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ कि मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया है। तो मैं नाम लेके उनका स्वागत करना चाहूंगी। पद्म भूषण पंडित अरविंद पारीख जी को मैं प्रणाम करती हूँ। पद्म भूषण पंडित देवू चौधरी जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। पद्मश्री पंडित मणिलाल नाग जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। पंडित नयन घोष जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। पंडित संजू सहाय जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। विदुषी मीता नाग जी को भी मैं प्रणाम करते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी विद्वत जन ने सहर्ष इस आग्रह, इस निवेदन को स्वीकार किया है, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आपके वचन अनमोल होने वाले हैं, मुझे इतना विश्वास है। तो आज जो परम आदरणीय हमारे पद्म भूषण पंडित अरविंद पारीख जी को मैं पुनः एक बार हृदय से प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि मेरी सोच क्या थी, मैंने ये क्यों इसका आयोजन किया है। तो भारतीय संगीत में घराने की जो समृद्ध परंपरा है और हमेशा से रही है, क्योंकि संगीत केवल शिक्षा ही नहीं, हमारी आध्यात्मिक साधना से ये जुड़ा रहा है। तो इस उद्देश्य से मैंने मन में था कि जो हमारे विद्यार्थी हैं बीम्यूज, एमब्यूज और रिसर्च सब कुछ कर डालते हैं, बड़े नॉलेज हो जाती है उनको, लेकिन जो ये गहराई से जो उतरने की चीज है, इसमें कहीं ना कहीं मुझको लगा कि नहीं, उनको भी ये सारी चीजें प्राप्ति होनी चाहिए। ये मेरे मन में एक बहुत अंदर ये था कि नहीं, जो हम लोग सारे विश्वविद्यालय जरूर संगीत का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन एक जो घरानेदार जो विशेषताएं होती हैं, तो मैं इस चीज से अवगत कराने के लिए मैं इसका आयोजन किया है। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे गुरुजन है, मैं प्रणाम करती हूँ, और जो उनका अनुभव है, जो तपस्या है, जो गुरुजन के सानिध्य में रह के उन्होंने अपने गुरुजनों से जो अर्जित किया है, वो निश्चित ही हमारे सभी विद्यार्थियों को लाभ देगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, और हमारे जो संकाय प्रमुख है उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमें, और मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए ज्यादा समय न लेते हुए मैं मंच को पुनः मैं शोभित जी को सौंप रही हूँ, ताकि ये अति शीघ्र संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
इसी क्रम के अनुसार अब हम अपने संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि सर इस कार्यक्रम पर अपने विचार और अपने विचार वो रखें। सर शोभित जी, मेरा आवाज आ रहा है शोभित जी? जी 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 जी। अच्छा तो जरा वॉल्यूम आपका बड़ा करिए, आपका आवाज ठीक से आ नहीं आ रहा है, जरा वॉल्यूम बड़ा करिए, आवाज आपका बहुत कम कम आ रहा है। अभी अभी थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। आ रही है? हाँ जी अभी बोलिए। जी जी जी। अब हम प्रोफेसर राजेश शाह जी को संकाय प्रमुख हमारे संगीत कला संकाय के, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि सर अपना दो शब्द अपने विचार रखें इस कार्यक्रम के सम्मुख। सर हेलो, आवाज आ रही? सर हाँ जी नेट की प्रॉब्लम थी। जी 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 सर जी सर जी जी क्या आदेश है? आपसे जी जी आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने विचार जरा से इस कार्यक्रम के कुछ दो शब्द सर आप इसमें करें। थैंक यू जी सर। धन्यवाद शोभित जी, आज मेरे स्वयं के लिए और संकाय के लिए, संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं और राधा कृष्णन जी जिनके नाम पर ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस, हमारे पूर्व कुलपति रह चुके हैं और इस शिक्षक दिवस को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया और वो आज फलीभूत हो रहा है। हम लोगों के मध्य पंडित अरविंद पारिख जी, जिनको मैं सादर प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें, आज हमारे बीच में हैं। हम लोगों का बहुत ही सपना था कि पंडित जी स्वयं वाराणसी आए, लेकिन ये संभव पता नहीं किस कारण से नहीं हो पाया। अभी भी हम लोग की इच्छा यही है कि पंडित जी एक बार अवश्य वाराणसी जैसे शहर में आए, अगर प्रभु की और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कृपा रहेगी तो अवश्य हम आपको यहाँ लाने में कामयाब होंगे। आज बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूँ कि इस शिक्षक दिवस के अवसर पर एक महान शिक्षक, मैं इसलिए पंडित जी को शिक्षक कह रहा हूँ कि आप कार्य से तो एक व्यवसायी परिवार से संबंधित हैं और लेकिन आपने जो सेवा कार्य किया है वो संगीत का किया है और मैं हमेशा आपकी बैठक परंपरा जो है वो जो भी आपने YouTube पर लोड की है मैं उसको सुनता रहता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता रहता है। मैं एक छोटा सा सितार का विद्यार्थी हूँ, इसलिए पंडित जी ये आपका जो कार्य है वो अतुलनीय है, उसका कोई भी इसका कोई विकल्प नहीं है। और आप गुजराती परिवार से संबंध रखते हैं, अधिकतर ये माना जाता है कि गुजराती व्यवसाय में बहुत अधिक सक्षम होते हैं, उनके उनके जो बुद्धि की क्षमता है वो व्यवसाय में अधिक होती है, लेकिन आपने दोनों को कैसे सामंजस्य स्थापित किया ये बहुत ही हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि मैं भी गुजराती परिवार से हूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे आपने एक व्यवसाय और एक कला, कला भी व्यवसाय हो सकती है और व्यवसाय भी एक कला है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, लेकिन दोनों को कैसे आपने अपने जीवन में संभाल के रखा होगा और संगीत जैसे ऐसे विद्या को जो कि बहुत ही सतत साधना की जिसको आवश्यकता होती है, कैसे आपने उसको अपने दोनों कार्यों को कैसे पूर्ण किया होगा, ये हम लोग के लिए एक शोध का विषय भी है और हमारे जितने विद्यार्थी हैं और
मुझे मुझे स्वयं एक बहुत जानने की उत्सुकता है कि आप कैसे ये कर लेते हैं। और वैसे तो उस्ताद विलायत खान साहब के आप योग्य शागिर्द हैं, और आपने जितना उस परंपरा को निभाने के लिए जो भी कार्य किया है वो भी अतुलनीय है, सभी जानते हैं। आपके परिचय देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः पंडित जी को, और यहाँ पधारे हमारे पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और जितने भी गुरुजन हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं पुनः संगीत संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और हम लोग आतुर हैं पंडित जी को सुनने के लिए कि आज हमको इस शिक्षक दिवस पर क्या ज्ञान मिलने वाला है। वो बहुत ही हमारे लिए एक एक धन होगा आज के दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हम लोग का आग्रह स्वीकार किया। सादर प्रणाम। धन्यवाद सर, बहुत आपका सर। सर ये आप ही और अध्यक्षा मैडम की ही ये सफल प्रयास है कि आज हम लोग सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पा रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी गुरु जी, थोड़ा और बड़ा सकते हैं तो जरा नजदीक आ जाइए। पता नहीं बाकी लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है, आपका जरा कम आ रहा है। सोबित जी आपका साउंड अच्छा, अच्छा कम है। जी हम प्रयास कर जी सर हम प्रयास करते हैं। जी अभी अभी ठीक है। अब इस कार्यक्रम को श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हम गुरु जी से अनुमति लेते हुए संक्षेप में उनका एक छोटा सा है हम बायोडाटा पढ़ना चाहेंगे, जिससे कि हम सभी को थोड़ी बहुत ही जानकारी उनके प्रति हमें मिल सके। पंडित अरविंद पारिख, द सीनियर मोस्ट डिसाइपल ऑफ उस्ताद विलायत खान, इज रैंक्ड अमंग द टॉप रैंकिंग सितार प्लेयर्स ऑफ इंडिया। हैविंग रिसीव्ड तालीम फ्रॉम द लेजेंडरी उस्ताद फॉर 60 ईयर्स, ही इज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ द इमदाद खानी इटावा घराना, sometimes called the Vilayathani Gharana. Pandit Parikh's creative ability and spiritual family background had enabled him to add his own personal dimension to the musical philosophy and expression of his traditional Gharana. He is a top grade artist and a regular broadcaster of All India Radio and Doordarshan. He has been featured at several major music festivals in India and has had very successful concert tours in several parts of Europe, West Asia, Far East, and Australia. He has the distinction of authoring two interesting books called The Rag of My Life and The Glorious Tradition of Itawa Imdad Khani Gharana, The Greats of Seven Generations. As a musicologist, teacher, and cultural ambassador, Pandit Parikh has participated in successfully establishing and heading cultural institutions like Music Forum, Indian Musicological Society, etc. He achieved high status in the music world, being a trustee of ITC SRA from its inception and being a coordinator of All Indian Musicians Group. His appointment as a Vice President of International Music Council, UNESCO, for the period 1994 to 97 is indicative of the respect that Pandit Parikh commands all over the world. Pandit Parikh ji has been conferred with the following awards: Padma Bhushan Award, the third highest civilian award by Government of India in 2018, the Academy Ratna Award by Sangeet Nat Academy, New Delhi 2016, the National Award by Sangeet Nat Academy for Instrumental Music Sitar in 2003, Bharat Ratna Pandit Bheem Sen Joshi Jeevan Gaurav Puraskar by Maharashtra Government in 2019, Jeevan Gaurav Kala Puraskar by Maharashtra Rajya Gujarati Sahitya Academy in 2019, and many more. So, Guruji, ab hum
समय बहुत ही अपव्यय न करते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक रूप से करना चाहेंगे। और इस कार्यक्रम का दायित्व मुझे मिला है कि आपसे वार्ता और प्रश्नों की जो श्रृंखला बनाई गई है उसमें मैं इसमें सम्मिलित हूँ। तो गुरु जी, आपका आशीर्वाद लेते हुए हम ये कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे, आपकी अनुमति चाह रहे हैं गुरु जी। पहले तो मैं ये कहूंगा, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलो। जी जी जी, आप बोलिए। जी आप बोले। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे गुरु जी? आप बोले, आप बोले, बोल रहे थे आप? नहीं, पहले तो मैं थैंक्स मानने चाह रहा हूँ बनारस यूनिवर्सिटी के और अधिकारी और म्यूजिशियन के इंचार्ज म्यूजिक के वगैरह, मिसेस सिंह वगैरह। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विथ यू विदाउट बीइंग देयर, बट द फैक्ट डज रिमेन दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है कि कितने भी यूनिवर्सिटीज में जहाँ म्यूजिक सेक्शन है वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है मेरे को लगता है। तो इसलिए मेरे को ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है मिसेस सिंह ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट हर, एंड आई थिंक द सिलेक्शन एंड आई हैव सीन द प्रोग्राम। दूसरे भी सितार प्लेयर्स, बड़े बड़े लोग सब आने वाले हैं। तो इसलिए शुरुआत के अंदर मैं आपको बहुत थैंक्स मानता हूँ। और अभी शोभित जी को बोलो फिर सवाल से शुरू करें। जी गुरुजी, जैसा कि गुरुजी ये वार्ता क्रम है, तो हमारे संकाय प्रमुख सर ने बड़ी अच्छी बात ये कही भी कि जैसे कि सर गुरुजी आप एक संभ्रांत और बड़े ही स्थापित व्यवसायी परिवार में आपका जन्म हुआ, तो सर्वप्रथम जो हम लोग के मन मस्तिष्क में पहला प्रश्न जो उठता है वो यही आता है कि आपका संगीत के प्रति रुझान और ये किस प्रकार से हुआ और आप कैसे गुरुजी इसकी तरफ आप उन्मुख हुए, इसके बारे में हम जरा हम सब लोग ये जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जो साहब थोड़ी देर पहले भी बोले, जो गुजराती है वो गए पूछने लगे कि गुजराती होकर के म्यूजिक में आप कैसे आ गए, जो गुजराती लोग तो पैसा कमाने में और व्यापार में बहुत होशियार होते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी many many times, and my answer is very simple. देखिए, first of all, एक जिंदगी में म्यूजिशियन इंसान नहीं बन सकता। उसको पिछली जिंदगी के जो म्यूजिकल बैंक बैलेंस है वो लेकर के आता है वो। इसीलिए जब इंसान पैदा होता है, गुजराती परिवार हो गए या जो भी दूसरा परिवार, वो म्यूजिकल बैलेंस तो उसके पास अपना ही होता है। और इसीलिए जब उसको अपॉर्चुनिटी करेक्ट मिलती है, जो मेरे को मिली, क्योंकि माय फादर वाज अ बिजनेसमैन एंड माय मदर वाज अ पेंटर, वेरी वेरी गुड पेंटर। देयर इज अनदर कनेक्शन, माय फादर वाज बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, व्हाई माय मदर वाज अ डॉटर ऑफ द रिचेस्ट मैन इन अहमदाबाद। बट हमारे कम्युनिटी के अंदर होता है वन एजुकेशनल पार्ट था और दूसरा आर्ट का पार्ट था। तो आई गॉट बिजनेस एक्यूमेंट फ्रॉम माई फादर एंड आई गॉट म्यूजिकल आर्टिस्ट्री के जो भी कहो फ्रॉम माई मदर। सो बोथ द स्ट्रीम वर साइमल्टेनियसली मूविंग इन आवर हाउस होल्ड। इसीलिए गुजराती होते हुए भी आई कुड काउंट नॉट ओनली नोट्स बट ऑल्सो द म्यूजिकल नोट्स। So the both the things went together, and therefore my answer I hope you will understand. But mainly it is the bank balance which you carry with you from the previous birth. एक जिंदगी में म्यूजिशियन नहीं बन सकता। और बचपन में रुझान कैसे हुई, जो आपका सवाल था शोभित का, उसमें घर में अहमदाबाद में सर्टन लेवल के फैमिलीज में आर्ट को
काफी सपोर्ट करते थे। तो हमारे वहाँ तनु देसाई करके बहुत बहुत फेमस पेंटर था, वेरी वेरी वेल नोन, वो आते थे। और गोपाल राव जोशी वाज द प्रिंसिपल ऑफ गांधर महाविद्यालय इन अहमदाबाद। तो मैं पेंटिंग मैंने कोशिश किया, लेकिन मैं फर्स्ट पिक्चर वो सच मास्टर थी कि मैंने कहा कि अपना ये काम नहीं छोड़ दो। तो अल्टीमेटली आई स्टार्टेड विद म्यूजिक विद गोपाल राव जी, एंड देन वी गॉट मतलब बादशाह वाज अ शागिर्द of Mushrif Khan. Mushrif Khan was shagird of Murad Khan. Murad Khan was shagird of Bandi Ali Khan. So he was in Ahmedabad and I started sitar with him. Abhi shuruaat ke andar mera real guru jo tha wo radio tha. Radio mein itna wonderful programs aate the aur abhi bhi aate honge. Aur us zamane mein Indian Listener karke magazine पब्लिकेशन होता था रेडियो की तरफ से, जिसमें ऑल द प्रोग्राम्स वर प्रिंटेड विद द टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग एंड द नेम ऑफ द आर्टिस्ट। सो आई यूज्ड टू मार्क आउट द एंटायर इंडियन लिस्टर ऑफ 15 डेज एंड लिसन टू ऑल द ग्रेट मास्टर्स स्पेशली सितार। आई हर्ड सिराज अहमद कुरैशी, मोहम्मद शरीफ मोटवाले फ्रॉम लाहौर, देन आई हर्ड हैदर हुसैन चुगताई फ्रॉम दिल्ली, देन आई हर्ड Yusuf Ali Khan and Ilyas Khan from Lucknow. And one of the finest sitar players was Ali Ullah Khan from Dhaka. And Kolkata mein to Inayat Khan sahab, Vilayat Khan sahab ke abba, unke to bahut hi students the, matlab 50-60 students to honge hi honge. So usme se sir Sailen Das Gupta hai, Renuka Saha hai, Jinder Mohan Sen, aur kafi log the, sab kuch sunta tha main, lekin mainly my focus was sitar. So this is the way रुझान शब्द यूज जो किया है वो रुझान जो मैंने कहा ना जन्म से लेके आया हूँ और घर में एटमोसफियर ऐसा था और बहुत ही सपोर्ट था पेरेंट्स का हमको, इसीलिए आई कुड मैनेज बोथ, आई कुड मैनेज माई बिजनेस एंड आई कुड मैनेज द म्यूजिकल पार्ट ऑल्सो। एंड धीरे धीरे करके शुरुआत के अंदर दिलरुबा बजाना शुरू किया। Ultimately, sitar ke upar I concentrated. So and then, of course, I met Ustad Vilayat Khan. There it is. Actually, after listening to Calcutta, I heard Ravi Shankar ji on the Delhi radio, and I said that this is something different. But then I heard Vilayat Khan, and another time, I was like, "Here is my guru." I had never seen him, but that is how. Now, next is the issue of meeting Vilayat Khan. See, I had. Some work in Delhi, Bombay, so I went and I met my friend by chance who asked me, he said, would you like to meet Vilayat Khan? I said, I'm dying to meet him. So unke ghar pe 11 baje aane wale the, to main pahunch gaya. So I saw at 11:15 a young man with blue shirt and shaded glasses and Premane ka dabba, a cigarette, and he was about 20 years old. I said, hey, Vilayat Khan? I couldn't believe my eyes. Say, yeah. Sir, anyway, it was a great, great meeting for me. And that is how then he told me, Arvind, to Mumbai, aa jao. Aur yahan college mein admission le lo. Aur hamare college mein tumko admission mil gaya. I mean, I hate to say, but I was a very, very good student. I was a first class in Ahmedabad sector in my graduation. And therefore, I got admission immediately. And that is how my taaleem started. My maternal uncle had a wonderful flat there in Bombay. That is where we stayed, and every day, 6 months in Taklim Diya Bhavan. And after that, every single day, I was to pick him up at 4:00 and leave him at about 12:00, 1:00 at night. So every day, we have three kinds of relationship. One was as a shagird naturally. Secondly, was as a administrative or secretarial work करने के लिए letter लिखाना, ये करना program के लिए वगैरह. And thirdly, I have hesitation. मैं वो बोलने का जाग रहा था इस यार करके बोला था कि चलो अब मुझे picture में चल. So we had a wonderful relationship for 60 long years, you know.
And therefore, that is my routine, or I think I'm exceeding my time because I get lost when I talk about Vilas. नहीं नहीं गुरुजी कोई बात नहीं जी आपने द नेक्स्ट क्वेश्चन था जी गुरुजी ये बस दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे आप जब अपने उस्ताद गुरु उस्ताद विलायत खान साहब से संपर्क में आए थे तो एक प्रश्न ये आता है कि आप गुरुजी किस क्या उम्र थी कैसे मिले और आपकी जो ये विचार थे कि आप जो भी बता रहे थे कि इतने कलाकारों को आपने रेडियो पर सुना और सब कुछ देखा था तो आप उनसे ही सितार वादन की तालीम लेना आपने ये सोचा और ऐसा क्यों क्या आपके मन में उस वक्त भाव थे I'm glad you asked me this question because my only answer is it is destiny see when I came to Bombay Vilas Khan sir was in very very difficult financial situation वो मैं क्या बताऊँ at age of 10 or 11 he lost his father in Calcutta instead of helping him Vilas Khan sir student mocked him and humiliated him so itne wo he was only 14 15 years old at that time but when he left Calcutta as these are his own words I'm repeating bole arvind maine kahe the unko tum logo ke sar pe baith ke bajaunga jab main wapas aaunga Calcutta and then he went to Delhi and Zaid Bukhari was the director of all India radio who was a great fan of Vilas Khan sir, gave him lot of support. So about 3-4 years he was in Delhi, and anywhere around 18 to 20 he came to Bombay, and I was 17 at that time. So we met. Now at that time Mohammad Khan sir Bhinkar, father of Ustad Rais sir, was a reigning sitar player in Mumbai, and practically all the sitar friends I met or sitar players I met, they were all students of Mohammad Khan. और मेरे को कहने लगा अरविंद तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ विंकर जी यहाँ मोहम्मद का साहब जैसे बैठे और तुम ठुमरी वाले से सीख रहे हो और ठुमरी वाला विलायत का वाज नोन एज ठुमरी वाला एट दैट टाइम बिकॉज़ ही वाज वेरी यंग और हार्ट में तैयारी नहीं थी सर एनीवे बट माय डेस्टिनी वाज वेरी क्लियर सो इवन एट द एज ऑफ 17 दो विलायत का साहब वाज इन अ वेरी वेरी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन He had hardly any students, but I said my guru is Vilas Khan and nobody else, and I stuck to Vilas Khan. दो दिन में पता लग गया पहले से भी छह महीना तकलीफ दिया लगे पहले ये सिखाने को आए तो मैंने कहा कि ये 20-year-old person उनका vision क्या है he gave us no wonderful vision और दो सितार लेकर के एक एक चीज लेके एक एक सप्ताह करके तो एज आई सेड कि मेरा डेस्टिनी मेरी डेस्टिनी थी कि खान साहब से ही सीखना है एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू दैट एट दैट टाइम मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर वर प्लेइंग सितार अकॉर्डिंग टू प्लकिंग बोलो कि सर डा र डा डा र डा डा र डा र डा डा र डा र डा डा र डा डा भी ऐसे होता और इसीलिए उधर रविशंकर जी ने और इधर ये शुरू किया मेलोडिकल एनीवे एज आई सेड के मेरे अंदर से था कि ये मेरे गुरु हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड हैव द वेरी वेरी ग्रेट प्रिविलेज एंड व्हाट शैल आई से ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड दैट आई वाज विद हिम फॉर 60 लॉन्ग इयर्स आई एम 92 नाउ एंड आई गॉट अबाउट 2-3 वीक्स में आई विल बी 93 खास तो चले गए लेकिन आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट टू उनकी जो लीगेसी है उनकी जो ट्रेजर लेके गए हैं वो सब स्टूडेंट लोगों को सिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ तो इसी व्हाई विलायत खान साहब एंड नो वन एल्स जी गुरु जी जैसा आपने कहा कि आपको शाम को 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक आप लोग साथ में रहते थे और उम्र भी आपने बताई कि आप 17 साल और 20 साल के युवा अवस्था में थे तो ये जानना चाहेंगे गुरुजी कि हम लोग की आपकी जो तालीम थी उस्ताद जी से वो कैसे आपकी तालीम वो शुरू किया और उसका रियाज आप कैसे करते थे या वो कैसे आपसे करवाते थे ये हम सब सर गुरुजी जानना चाहेंगे आपसे देखो विलायत खान साहब ने मेरे को शुरू किया मधुबन की रात से
और उसमें एक मीट आती थी तो मदन इधर नहीं जाने वो मेरे हाथ से नहीं निकली। वो नाराज हो गए, बोले ये तुम से नहीं होगा छोड़ दो, और फिर वो लग गई। दूसरे दिन से नॉट दूसरे दिन उठती, दूसरे दिन से वो 5:30 बजे उठता था, 5:30 से 7:30 के बीच में। आई यूज टू प्रैक्टिस व्हाट विराज मंसर हैड टॉट मी earlier, and I'll tell you one thing, and this the students of Siddharth should listen to. 60 years ki taalim meri paas dikhi hui hai notation. I was very good at notation, so whatever he used to teach me, I used to write down. So the next day, jab wo aaye 5 baje, so suna diya maine, arre bhai mere sab kya tum to office gaye the, so mera routine kya tha, subah 5:30 बजे उठ करके 7:30-8 बजे तक तैयार होकर के दावत कॉलेज में जाता था मैं, उधर से 10:30 बजे ऑफिस, 7 o'clock अप टू 7 o'clock आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, एंड एट 7 o'clock आई यूज टू गो टू माई फियांसे एंड उनके साथ 8:30-8 बजे तक रह करके आई यूज टू रिटर्न होम बाय अबाउट 9:30-10 o'clock। दिस वॉज माई डेली रूटीन। बट गुजराती लोग बहुत मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आई वॉज वेरी अनगुजराती थे। तो आइडिया इज इनकी तालीम जो थी वो सितार एक वो रहते थे, एक सितार में रहते देते थे, और वो जो वजह है वो एक उस्ताद लोगों की उस्ताद लोगों का तरीका ही है वो। फॉर्चुनेटली माई एबिलिटी टू राइट नोटेशन एंड माई मेमोरी was both very sharp and very good. So ek dafa mere ko sikhate the wo, so I used to learn it by heart. And so samajh lo ke unki sikhai hui hamari banayi hui wo sab gate aalat ka silsila. And dekhiye ek baat main batataun ki he was so young, he was also building his career, you see, he was also having his own. अभी उनके खुद के अल्फाज में बोलूं तो बोले अरविंद भाई मेरे फादर और दादा राइट हैंड का इतना काम करते रहे हैं कि उसमें बाकी कुछ रखा नहीं है, इसलिए मेरे को लेफ्ट हैंड डेवलप करना पड़ता है। सर एनी वे द आइडिया इज इन अदर वर्ड, ही यूज्ड टू टीच मी लाइक एनी अदर उस्ताद वुड, आई डिड व्हाटएवर बेस्ट एनी गुड शागिर्द वुड डू। देन ही encouraged me to play on the radio. So after 3 years of study in 1947-44 shuru kiya tha, 47 I started playing on the radio, and I don't know whether I should say, but some of the students of Mahmud Khan sahab, they say ki hum to 10 saal se sikhte hain radio pe abhi nahi baja rahe hain. Anyway, the idea is that in 3 years time I could tell myself that you correctly selected your guru. Aur dheere dheere programs 1952 ke andar phir Kolkata mein the, so really I also started building my career, and unki taleem badhti gayi. Namaskar. So aur second question apne Shubhik ji ji, थर्ड क्वेश्चन जी गुरु जी की, अब जैसे आप जो वो तालीम वो दिए वो जो रियाज आपसे करवाते थे तो वो क्या जी रियाज देखो हाँ साहब करवाते थे, उसका एक इंसिडेंट में तुमको सुनाओ जी तो पता लगेगा। जहला एक दिन बजवा रहे हैं, धीरे धीरे करके दरज का बढ़ाते गए। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा खा साहब यहाँ तो दाल भात भरे हुए है, यहाँ चिकन नहीं है, अभी मेरे इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो बोले अरविंद भाई चलो चलो चलो, फिर मैंने कहा खाता मेरे हाथ, बोले मेरी खातर 10 दफा बजाओ, मेरी खातर 10 दफा बजाओ, कैसा भी करके मैं 10 दफा बजाए, बिलीव मी आफ्टर 10 आई कुड प्ले गिट गिटार। वो एक वो होता है यू जस्ट क्रॉस दैट लूप एंड देन जस्ट गो ऑन। There is a very important scientific reason for that, which I will talk to you about, because that is one of my pet theories. So, riyaz is tarike se karate the.
और दूसरे एक रियाज का उनका लिटिल लेटर ऑन विलायत झा साहब इमरत भाई एंड माई सेल्फ इमरत भाई और तो क्या होता कि एक मोहरा वो बजाते थे यू नो अंडरस्टैंड कि वन मोहरा टू अनदर मोहरा इज अ सब्जेक्ट बिल्डिंग एक सब्जेक्ट खत्म होता है मोहरा तो सेकंड सब्जेक्ट था तो एक मोहरा विलायत झा साहब बजाए फिर उसके बाद इमरत भाई बजाए एक मोहरा मैं बजाऊँ तीन चार चक्कर हुआ फिर मैंने रख दिया पिता मैंने बोला खाचा मेरे से उसको खानदानी धुन नहीं है मेरे में मेरे को नया कुछ सूझता नहीं है Now this what he told me is very important for the students of music and students of sitar. He told me this is extremely important. He told me that Arvind bhai, tumhare magad dimag mein bahut bhara hua hai music, but haath jawab nahi de raha hai sitar ke upar. So jaisa tumhara haath better control mein aayega sitar tumhari, to sooth khulti jayegi. So jaisa sitar par control badhta jata hai. ऐसी सूज खुलती जाती है अभी तुम्हारी सूज जितना कंट्रोल है उसके मुताबिक है एंड दैट गिव मी ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस एंड इट विच इट प्रूव दैट ग्रेजुअली रियाज करके थोड़ा वो धीरे धीरे करके लेवल जो सितार के ऊपर ना कंट्रोल का अच्छा हुआ तो मेरी सूज भी खुलती गई तो इट इज कि कई दफा हम लोग पूछाते हैं कभी हमारे सूर्य नहीं हो रहा है तो ये कभी नहीं हो So these are some of the incidents which I can say unki taleem ka. Aur dusri baat which is also very relevant ki mere ko program mein unke peeche sitar leke bithate the wo. About 25 program to maine unke peeche baithe bajaya hoga. To ek din mere ko yaad hai Lakshmi Bagh mein mere samne bajate ekdam dekha aur bole Arvind bhai tumko yahan maine maza lene ke liye nahi bithaya hai. या मैं प्रोग्राम कैसे रचाता हूँ कैसे जमाता हूँ वो सीखने के लिए बिठाया है तो दीज आर सम ऑफ द वैल्यूएबल व्हाट कैन आई से पुलिंग अप व्हिच वर वेरी इंपॉर्टेंट बट देयर वाज अनदर थिंग व्हिच ही टोल्ड मी एवरी टाइम इन द इंटरवल ऑफ हिज स्पॉन्सर बोले अरविंद भाई जाओ तो मेरा सितार मिला केदार में मिला पर हम जो भी राग हो जाना दीज आर वेरियस आई मीन इंसिडेंट मेरे को अभी जो बोलता हूँ याद आता है हमने वही तरीके से सिखाना शुरू किया था जैसे पंचायत ने आई हैव टूडे 46 स्टूडेंट और उसमें करीब 14 और 15 सीनियर स्टूडेंट दोनों लोग बाहर प्रोग्राम बजाते हैं और चीज इधर इधर और अच्छा नाम कमाया है सब लोगों ने और सीनियर स्टूडेंट करीब 10-12 है और बाकी जो सब जूनियर है तो दीज स्टूडेंट अभी तक तो हम सिखाते थे जैसे नॉर्मल हर एक का टर्न होता है वो आते हैं सिखाते हैं Recently, after COVID, we found out a new method, which perhaps some of the professors of sitar or even other gana ka follow kar sakte hain. Mere ko to bahut fayda hua hai usse. Abhi hum kya karte hain ki Skype pe upar sikhate hain. And abhi ek roz ek student aate hain. Abhi jis din student ka turn hai uske agle day He should send to me a 25 to 30 minutes of his own recording. कोई भी राग हो उसका उसका वो recording करके भेजे I would listen to that entire recording and make my own notes. And I would dictate those notes to my secretary. So by lunch time the note reaches the student. So in the evening, साढ़े पांच बजे जो पैलिंग के लिए आता है he knows what were his plus points and what were his minus points. तो तालीम में खाली माइनस पॉइंट ही सिखाना होता है और गुड पॉइंट का कैसे और भी अच्छा हो सकता है बाकी तालीम एक तरीके से देखो तो हुई है ऑलरेडी अभी वो तालीम में कितना उस समय इम्प्रूवमेंट करने का है और कहाँ पे वो दिस आई हैव फाउंड द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट आल्सो वेरी गुड एंड ऑल्सो माई ओन थकान भी कम हो गई है और डिस्कशन कई दफा एक आध दफा तो अपना अश्वी अश्विन सुरवार बजाता है जयपुर में उसके साथ खाली डिस्कशन ही हुआ बजाना उस दिन हुआ है तो दिस इज अनदर सिस्टम ऑफ तालीम
which I have followed. Uske ilawa, I have tried my very best to prepare various methods to improve the expression. As we all know, sitar, or any recital for that matter, has two sides. One is what, other is how. Babat or tarika, content or expression. So abhi humne dekha ke palta to student log bajate hain, lekin kaun sa palta bajate hain? तो सारे गमे पदा निशा नहीं था पामा घर सानी सारे गमे पदा निशा नहीं था पामा घर सानी वो आरु यवरु का ही पलटा बजा थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हमारे घराने में आजकल चैन सेंटीमेंट वो जरा मेरे को कम दिख रहा है, तो इसलिए हमने चार किस्म के पलटे बनाए और वो चार किस्म ये है। एक तो आरोही अवरोही एक सिंपल जो बर्तन बनाते हैं। दूसरा मैंने तान पलटा बनवाया है, तान में पलटा है क्योंकि वो तान का पलटा परफॉर्मेंस में यूज कर सकते हैं। तीसरे किस्म का पलटा है हमने रागवाचक पलटा बनाया, उसमें से राग खिलता है तो उस राग का रूप जैसे 25-30 राग का पलटा बनाया है, तो 20-25 राग का पलटा बनाने से उसके दिमाग में बैठता है। एंड लास्ट वन विच इन माय ओपिनियन इज वेरी वेरी गुड इज भाववाचक पलटा। अभी हमें थोड़ा वरद हमारा स्टूडेंट से भजवाया है तो आपको उसका सैंपल सुनाता हूँ। तो पहले सबसे पहले शोभिन आरोही अवरोही सिंपल जो है वो पलटा सुना। और दूसरा है तान पलटा जी। राग अभी राग वाचक हो जाता है। अभी लास्ट वन जो है वो भाववाचक है, उसमें भाव है, उसमें पुकार है, उसमें लाचारी है। पलटे स्टूडेंट लोगों को सिखाया है इसलिए कि उसमें से तान का भी रागवाचक का भी भाववाचक का भी, तो ये एक स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए और ये अच्छा। दूसरा वो तानों का जो रियाज करवाया है तो वो हमने बेसिकली पांच किस्म की ताने सिलेक्ट किया है क्योंकि और हमको तो 50 किस्म की ताने आती हो सकता है। एक समझना बहुत जरूरी है
सपाट तान है, गमक की तान नहीं होती है, गमक तान का अंग, लहर तान का अंग है, क्योंकि तुम छूट में भी गमक बजा सकते हो, सपाट में भी गमक बजा सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि वो प्रकार का अंग है, प्रकार नहीं है। तो अभी ये जो हमने तान, पांच किस्म की ताने स्टूडेंट लोगों को सिखाई, एक है बढ़त अंग की तान, जिसमें आलाप में बढ़त करते हैं, जैसे यमन लिया जाए तो सा की बढ़त करते हैं, फिर गंधार की करते हैं, फिर पंचम की करते हैं, फिर निषाद की करते हैं। तो इसी तरीके से वो बढ़त की जो तान भी सा के ऊपर एंड होती है, फिर गंधार की ऊपर, तो सबसे पहले बढ़त अंग की तान वो सुना वरद जी। जी Thank you.
बढ़त हो गई, सपाट हो गई, छूट हो गई, अभी अंतरे सिद्धांत हो गए। रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं, बोलिए गुरु जी, आप बोलिए, आप बोलिए। चले कंटिन्यू? जी। अच्छा। मैंने एक म्यूजिशियन को पूछा था पलटा क्यों बजाते, पलटा बजाने से हाथ तैयार होता है, गला तैयार होता है, तो मैंने बोला पलटा बजाने से तैयार क्यों होता है? अरे वाह, कैसी बात करते हो, रियाज करते हैं, मेहनत करते हैं तो तैयार हाथ होना ही है ना। मैंने बोला यू आर रॉन्ग, हाथ तैयार हो क्यों होता है उसके वजह है। एंड व्हाट इज दैट? व्हेन यू प्ले पल्टा फॉर 15-20 टाइम योर माइंड स्टार्ट वॉन्डरिंग, बट ये हाथ चल रहा है तो कौन चलाते हैं हाथ? Your mind to somewhere else. That is the subconscious mind, which is taken over to play the palta. So wandering mind है वो conscious mind है, and playing mind जो है वो subconscious mind. So the palta का real role है to bifurcate conscious and subconscious mind. Everything that you play, जिसको कहें कि ऊपर से ईजी बजाता है, इजी नहीं है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस साथ में लगे तो टेंशन रहेगा। देन कॉन्शियस माइंड इज टेकन आउट, देन उपज होगी, देन सबकॉन्शियस विल प्ले। सो माय थियरी इज कॉन्शियस माइंड शुड क्रिएट म्यूजिक एंड सबकॉन्शियस माइंड शुड एग्जीक्यूट म्यूजिक। दैट इज द वे एंड दैट इज आई थिंक द आंसर टू रियाज। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को, एक राग ले करके एक 6 महीना तक वही राग जैसे कॉन्सर्ट में बजाते हो ऐसे ही बजा लो, विद दैट अलर्टनेस, विद दैट इंटेंसिटी, यू मस्ट प्ले दैट वन राग। बेस लिया तो 6 महीना तक बेस ही बजाओ, 2 महीने के बाद क्या होगा, ऊपर सबकॉन्शियस माइंड विल टेक जैसे पलटा इससे ही। तो फिर क्या होगा, एक सदे सब सदे, एक दफा एक राग के ऊपर कंट्रोल आ गया तो आराम से बजा हो रहा। So that is the way we are teaching at the moment, and I think we are having very 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 good result. जी गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी एक प्रश्न मन में और आता है कि संगीत में घरानों की बहुत ही समृद्ध और विशिष्ट परंपरा रही है, और कहीं ना कहीं ये संगीत में हम सब घरानों की तालीम से, उनकी शिक्षा दीक्षा से हम जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी आपका भी संगीत में इतने वर्षों का अनुभव रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि
घरानों की विशिष्ट परंपरा पर आपका क्या विचार है? आप स्वयं एक इतनी समृद्ध घराने से आप जुड़ाव रखते रहे और उसी के घर में आप सितार की तालीम और शिक्षा दीक्षा आपकी जारी है, तो आप घराने के विषय में, आपका सवाल संगीत में घरानों की एक विशिष्ट परंपरा है जी, जी तो उस पर आपका क्या विचार है गुरुजी? जी मतलब व्हाट इज घराना, व्हाट इज द रोल ऑफ घराना एंड व्हाई घराना? जी गुरुजी, एक सामान्य रूप से घराने और घराने पर आपका क्या विचार है, क्या आपकी उसकी शिक्षा दीक्षा और वादन शैली पर क्या आपका विचार है? अच्छा देखिए, घराना इन माय ओपिनियन इज नथिंग बट स्पेशलाइजेशन। टुडे डिफरेंट घरानास हैव देयर ओन स्पेशल टेक्निक। आई विल डिस्क्राइब टू यू हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश वन घराना फ्रॉम अनदर घराना। उनकी विशिष्ट तरह क्या क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन एसेंशियली द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अ ग्रेट ग्रेट सपोर्टर ऑफ घराना एंड आई थिंक घराना सिस्टम के लिए जो बुराई होती है वो मोर ऑफ द एक्रीमनी बिटवीन घराना, एक दूसरे की बुराई करना, ये करना, वो लेट अस अंडरस्टैंड कि वो बुराई भी क्यों होती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और कुछ नहीं है। तो इस जमाने में क्या है, आई डोंट वांट टू बिकॉज़ ऑफ द टाइम सो माय पॉइंट इज घराना इज स्पेशल कंपोजिशन है उनका, उनके रिलेटेड टेक्निक्स है, उनका स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो नाउ व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स व्हिच यू कैन सेपरेट वन घराना फ्रॉम अनदर घराना? सो आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट फाइव और सिक्स ऑफ Some different features which are different and which you can very easily distinguish one there and another. Firstly, rasabhav har ek gharane mein rasabhav hota hi hai. Kai gharana hai wo shant ras pradhanya hai, kai gharana hai wo veer ras pradhanya hai, kai hai wo shungar ras pradhanya hai, and so on. So rasabhav har ek gharane mein hota hai. रसभाव के मुताबिक उनका चॉइस ऑफ राग ऑफ दैट घराना बाय एंड लार्ज, आई वुड नॉट से दैट दे आर नॉट सिंगिंग अदर रसभाव, बट बाय एंड लार्ज दे वुड शांत रस वाला हो किराना, तो शांत रस के तो मालकों है कि ऐसे राग जो शांत भैरव ऐसे राग पसंद ज्यादा करेंगे, तो जो शांत रस प्राधान्य घराना है एज कंपेयर टू शंकरा फॉर इंस्टेंस, तो वीर प्रधान। तो थर्ड इज प्रेफरेंस फॉर ताल, जो सांतरस वाले हैं वो जुमरा में करेंगे, तो एक दो ये लड़के अंदर जुमरा में सांतरस वाले जुमरा पसंद करेंगे, तो दूसरे रस वाले हैं, आई एम नॉट डिलिबरेटली असाइनिंग एनी रस टू एनी घराना टू दिस पॉइंट क्रिएट पब्लिकेशन, बट दूसरे रस वाले हैं तो वो एक साल विलंब इसमें हो रिकॉय में हो, तो कई कई घराना है तो वो रिकॉय में वगैरह। तो फर्स्टली इज द रसभाव, रसभाव के मुताबिक राग प्रेफरेंस, रसभाव के मुताबिक ताल प्रेफरेंस, देन वॉइस प्रोडक्शन, आवाज जो शांत रस वाले उनकी दबी हुई आवाज होगी, किराने वाले के साथ दबी हुई आवाज होगी, तो पति अलग है तो खुला है श्रृंगार रस लगाएगा। तो इसी तरीके से वॉइस प्रोडक्शन ऑल्सो इज रिलेटेड टू दैट रस भाव अंडर करंट। देन नेक्स्ट वन इज बढ़त, राग को खोलना कैसे? अभी उस दिन टाइम हो गया, मैं गुड़ामणी खान साहब का प्रोग्राम के दूसरे दिन उसको मिलने गया था खान साहब के साथ, तो मैंने ऐसे ही हंसी खान साहब आपने तो केदार खोल दिया, तो ऐसा करके बोलने लगे हमारा तो तूफान मेल है, हमारी मालगाड़ी नहीं है। तो द ओपनिंग ऑफ द राग, गुलामणि खान साहब 40-45 मिनट पूरा करते थे, अमीर खान साहब स्ट्रॉन्गर, तो अमीर खान साहब का जो ओपनिंग ऑफ द बड़द जो थी वो बहुत ही लंबी और बहुत ही क्या कहना चाहिए डेकोरेटिव वगैरह, गुलाम अली खान साहब वॉज वेरी क्विक।
तो ये बढ़त हो गई, उसके बाद तान की वैरायटी, जयपुर की तान स्पेशल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ग्वालियर वाले की ताने ताने भी अलग है। तो इस तरीके से प्रेफरेंस फॉर राग, प्रेफरेंस फॉर ताल, प्रेफरेंस फॉर वॉइस प्रोडक्शन, बढ़त राग कोरोना बंदिश की इम्पोर्टेंस बहुत है, ग्वालियर वाले बंदिश की बहुत ही इम्पोर्टेंस देखते हैं, अतरा दो दफा गाना ही पड़ेगा और बंदिश से ब्यूटिफुल बंदिश है और गाते हुए और बंदिश बहुत अच्छा। सो दिस आर द सिक्स टेनेट विच डिस्टिंग्विश वन घराना फ्रॉम अनदर घराना, बट नाउ दिस ओनली इंडिकेट, इट ओनली प्रूव माई पॉइंट कि देयर इज स्पेशलाइजेशन। सो टुडे इन माई ओपिनियन गाने वाले की जो वो है ये वोकल वोकल का घराना का मैंने बातचीत किया, इसी तरीके से सितार में भी अलग अलग घराना है, जैसे मैयर है, हमारा इटावा है, जयपुर सेनिया है, रामपुर सेनिया है, विष्णुपुर है, सहजानपुर है, इंदौर घराना है, दीज आर ऑल डिफरेंट 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 घराना एंड हैविंग देयर ओन स्पेशलिटी। मणिला जी को विष्णुपुर में आप अच्छे सुनने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि इवन इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक देर आर घराना विच हैर ओन डिस्टिंग्विशिंग फीचर। और तबले में तो जानते हैं हम लोग सब, दिल्ली गजराटा फरुखाबाद पंजाबी सब अलग अलग रंग है, अलग अलग टाइप है, अलग अलग टेक्निक है। तो टुडे घराना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी इन म्यूजिक इन माई ओपिनियन, इट इज नथिंग बट स्पेशलाइजेशन एंड इफ वी हैव the role of gharana, if we really evaluate it, I think it's an essential entity in the music world. If so, there are very modern outlook, you can say that ये क्या gharana लेकर के बैठे पुराने लोग से, but my suggestion or my personal feeling is that gharana is important. जी तो गुरु जी बस इसी घराने में, जैसे आपने बताया कि घरानों की विशेषता हम स्पेशलाइजेशन मानते हैं, तो जैसे कि अब वाद्यों में सितार विशेष वाद्य में इमदाद खानी घराने से आपका जुड़ाव है, तो हम इस घराने की जो वादन शैली है उसके अंतर्गत जो विभिन्न अवयव जो बजाए जाते हैं, जैसे आलाप है, जोड़ आलाप है, जोड़ झाला है, बंदिशें हैं या गते हैं, तो इस घराने की जो विशेषता है हम आपसे वो जानना चाहेंगे, आपके अनुभव से इसमें क्या क्या इसकी विशेषता रही, इस पे थोड़ा सा आप अगर अपना विचार। मतलब हमारी वादन शैली में जी आलाप जोड़ गटका वगैरह कैसे होता है वो? जी 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 अच्छा आपको बहुत थका दिया है शॉर्ट इज पॉसिबल। जी 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 सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लेना चाहिए। घराने के लिए मैंने काफी बात कही है, लेकिन सितार शुरुआत में कैसे बजता था वो पूरक बात था, जैसे कैसे कव्वाली गाते थे लोग, उसमें बीच में जो गैप्स आते थे, जैसे गंधार के ऊपर रुका है तो सितार धीरे 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 करके गंधार का सुर देते थे पूरक, इसलिए पूरक बात कहलाते था वो, जस्ट जस्ट फीलिंग द गैप टू टू थे वो, उसमें से धीरे धीरे फिर बोल पैटर्न बनने लगी, धीरे धीरे के अंदर गदे बजने लगी, आई एम मेकिंग इट शॉर्ट, गदे बजने लगी, आलाप भी करने लगे धीरे धीरे, मैंने जैसे भी समझाया ऐसे आलाप, तो मैंने जो बड़े बड़े म्यूजिशियन का नाम जो दिया पहले, तो वो सब मैंने उसी ढंग से सुना था। ए यहाँ कलकत्ते आते करके बागपदर थी, उसके बाद इमदाद खान साहब, तो दैट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 1902 एंड 1904 में उनकी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, देर आर अबाउट 14 साइड ऑफ हिज रिकॉर्डिंग। नाउ इट अपीयर्स that right hand was supposed to be very very prominent and important,
टू इम्प्रेस पीपल, लेफ्ट हैंड का काम जो है वो तो ठीक है, लेकिन राइट हैंड का दारा बिजली तैयार झाड़ा ये सब जो बजाते देते हैं, that impress people. और उस जमाने में जमींदार राजा महाराजा उनको खुश करने के लिए, तो ये बोल पैटर्न से धीरे करके राइट हैंड का काम बहुत 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 अभी उनके इंदिरा ठाकुर की एक रिकॉर्ड आपको मैं सुनाऊं तो पता लगेगा कि राइट हैंड क्या मतलब है. सुनिए जरा एक ढाई तीन मिनट की रिकॉर्ड. इंदिरा खान साहब दोनों पहले तो इंदौर में रहते थे,
उसके बाद विनायक खान साहब गौरीपुर चले गए और विनायक खान साहब वाज बोर्न इन गौरीपुर एंड देन दे सेटल डाउन इन कलकत्ता 1920 इन विनायक खान साहब डाइड वेरी वेरी यंग एट द एज ऑफ 1938 Now, in that sense, we will find sukoon. Heart mein ek ras hai. Of course, recording quality of Indar Khansab ka ras hoga, so usne sunai nahi deti hai. Lekin Indar Khansab ke bhi record aap ek zara suniye. Dekhiye ke kya haath mein mithas hai. लेफ्ट हैंड इमदाद खान साहब का शुरुआत के रिकॉर्ड सुनोगे
ठीक है बहुत अच्छा, लेकिन इट इज नॉट दैट डेवलप. इनायत खान साहब स्टिल बेटर. विलास खान साहब है गायकियन पूरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. और विलास खान साहब ने लाइट म्यूजिक में भी काफी काम, काफी चोरी कह लो, एक जगह गजल भी बजाया है. लेकिन एक छोटी सी धुन है वो विलास खान साहब का लेफ्ट हैंड का काम क्या है वो जरा दिखाने के लिए दो मिनट सुनिए. गुरु जी थोड़ी ये बड़ी है, आप बता दीजिएगा जब इसको आपको लगे बढ़ाना है या रोकना है तो आप बता दीजिएगा. और है ये थोड़ी बड़ी बड़ी फाइल है थोड़ी, तो आप जैसा होगा आप बता दीजिएगा समय के अनुसार कि इसको बढ़ाना या जहां रोकना होगा. विलास खान साहब रिकॉर्ड नहीं है? नहीं नहीं है है है, प्ले कर रहे हैं गुरु जी हम ये. अच्छा जी.
जी 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 गुरु जी 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 फॉरवर्ड करो, गद से शुरू करो, जरा लंबा हो गया। अच्छा अच्छा ठीक ठीक जी जी गुरु जी ठीक है, जरा फास्ट फॉरवर्ड करो। जी जी गुरु जी, हाँ वही बस जो घराने की चल रही थी। अच्छा, अभी शॉर्ट में मैं अपना घराने का जो आलाप जोड़ गदकाम और झाला के बारे में दो दो तीन तीन अल्फाज में आई विल ट्राई टू फिनिश, बिकॉज इट आई थिंक वी स्टार्टेड एट 12:20 नहीं सॉरी 11:20 सो वी आर एक्सटेंडेड, वी आर 1 आवर एंड 10 मिनट नाउ। So let me say that alap mein we are following Bharat Ang, and sabse pehle Amir Khan sahab ke alfaz mein bolu to pehle saafi zameen banate hain, jo sa hai wo base hai, wo platform hai jiske upar pura raag ka structure banta hai। Originally as we all know sa ka naam shadaj tha, it was shataja, shat means six and ja means jisme se janamte hai, to chhe rag regama palani jo is tarike se samne se nikle hai, to sa is a base, to pehle to saafi zameen banao, to saafi zameen banaya, uske baad hum kharad mein gaye pancham ki zameen banaya aur sa se pa naye naye tarike se gaye, pancham se sa naye naye tarike se aaye, isse ke teen char dafa karke fir mohra bajaya। Now Mohra, at this juncture, I cannot resist my temptation to explain to you how scientifically, our psychologically, our stage musicians work. ये मोहरा जो ज़्यादातर वो लोग क्या कहेंगे, मोहरा is a punctuation mark. It's not only a punctuation mark. You see, any activity, any food item, once you go on eating it or listening to it, there is a diminishing return. Definitely marginal utility uski kamti hoti jati hai. So similarly alap jo kiya hai saathe pa ka parsi saaka, teen char paanch tarike se humne kiya hai, so the last phrase may not be as interesting as the first one. So usko, or the alap has indiscernible tempo, there is no discernible tempo. I call it 8
करके एक और उसके बाद फिर तो दैट चार पांच दफा हो गया तो मोहरा इंट्रोड्यूस किया. मोहरा में टेम्पो है तो इट ब्रेक द मोनोटोनी एंड मोहरा में सम है नी नी सा रे तो इट क्रिएट्स एन एटमोस्फियर विच इज डिफरेंट. तो मोहरा इज ब्रेकिंग सो टू से द मोनोटोनी एंड देन ऑफकोर्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट. सिमिलरली देन यमन हो गए तो गद्दार से काम करते हैं. अब जब नया कोई भी स्वर इंट्रोड्यूस करते हैं तो फैया बहुत अच्छी तरीके से बोलते थे कि अरविंद भाई यमन में गद्दार का इंट्रोड्यूस करना है तो पहले गद्दार को छुओ उसके बाद परखो और तीसरा ठहरो. तो जब नया इंट्रोड्यूस करते हो सर तो धीरे धीरे इस तरीके से करते करते ऊपर साकर चले जाते हैं तो स्थायी और अंतरा खत्म हो गया. अभी संचारी और अभोग है. संचार करना है मतलब फ्रीली मूव करना. अभी स्थायी और अंतरा हमने जब तैयार कर लिया है और मैदान पूरा उसको ट्रीट कर लिया है संचार फ्रीली करना. ध्रुपद वाले जो सूट लगाते हैं एक सूट नीचे का पंचक से ऊपर का पंचक साथ से साथ तो संचारी जो हमने समझी है और हमने इसको डेवलप किया है वो ये है. तीन उसके लक्षण है. एक तो संचारी फ्रेजिस में चलती है इंडिविजुअल नोट्स में नहीं चलती है. नंबर टू द स्पीड एट विच वी आर प्लेइंग इज अ लिटिल फास्टर देन अदर. इट इज लेस देन जोर बट लेस देन मोर देन अदर. एंड थर्डली दिस टू तो एक स्वीप जो है वो ये तीनों करके संचारी काम करते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं. अभी अभोग देखो हमने ये सब खोला है साई करके उसके बाद अंतरा करके उसके बाद संचारी करके अभी उसको फोल्ड बैक करना है. तो अभोग रियली स्पीकिंग इज फोल्डिंग बैक एंड कमिंग टू सा. तो दिस इज द साइकिल. And therefore, I believe that all our musical activities are in a circle. सा से शुरू किया खरंज में गए ऊपर गए और उसके बाद संचार किया उसके बाद वापस अपने जर्नी आ गई बिस्तर तैयार करो तैयार उतर जाओ. So the idea is that सिता ले लो सर जहाँ से शुरू किया वहीं होता है अपनी बंदिश है स्ट्रक्चर बंदिश की क्या स्ट्रक्चर है और सबसे पहला मुखड़ा है उसके बाद मंजा है उसके बाद अंतरा है उसके बाद आमद है कोई सर्कल है. तो इन अदर दिस इज अ वे हम लोग संचारी अभोग वगैरह करते हैं. उसके बाद जोड़ काम के अंदर तीन गति होती है जोड़ मध्य जोड़ अति जोड़. हम लोग स्लो विलंबित जोड़ में काम नहीं करते हैं. विलासन सर स्टार्ट फ्रॉम मध्य जोड़ एंड अति जोड़. मध्योड़ के अंदर जो नॉर्मल होता है वो आई विल नॉट टेक टाइम देयर. अति जोड़ में विलायत खासर ने दो तीन बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट इंट्रोड्यूस की है. सबसे पहले तो हम लोग दारा जो बोल है उसमें जितने राते बोल है वो शिकारी कर देते हैं दारा दारा दारा. तो वो दिस इज कॉल्ड शिकारी परफोरेटेड टांग. जितने दा आते हैं बार के तार के ऊपर उसमें मूवमेंट दिखाई देती है. तो ये परफोरेटेड शिकारी परफोरेटेड टांग विलास माकर ने इंट्रोड्यूस किया है. वेरी डिफिकल्ट बट एक उन्होंने वो किया. और उल्टा झाला इंट्रोड्यूस किया. उल्टा झाला जो शुरुआत के अंदर जो उल्टा झाला ने सीधा झाला बजाय तो एंड में भी फिर वही सीधा झाला आता है. इसलिए विलास माकर ने उल्टा झाला बजाय उसी के अंदर भी बहुत काम करते हैं. तो ये जोड़ का हिसाब हो गया. उसके बाद गत को हमने चार हिस्से में बांटा है. उसको हम गत काम बोलते हैं. गत उसके बाद बहलावा उसके बाद गतोड़े और उसके बाद तान. ये चार हिस्से में गत को डिवाइड किया है. तो गत में से पहले तो गत को ब्यूटीफाई करना. जो गत बजाते हो उसको ब्यूटीफाई करो खासकर के मुखड़ा को. So that is first stage. Second बहलावा again to break the monotony. बहलावा is a free flow. थोड़ा सा वो करके then third is गटोड़े. गटोड़े तो ये सब केशकार के ऊपर वगैरह तीन चार सुधार तीन चार
तो अलग अलग तरीके से गतोड़े बजते हैं और उसके बाद ताने, ताने तो मैंने आपको बता दिया है. सो दिस इज द वे वी डेवलप द एंटायर राग एंड कम टू ए कंक्लूजन. जी जी गुरु जी, बंदिश और गत पे थोड़ा सा अगर आप जी जी सितार में जो जो इस घराने में जो बंदिशें और जो गतें हैं उनके उनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अगर आप माय कंट्रीब्यूशन यू मीन. नहीं गुरु जी, ये बंदिशें और जो गत सितार में इमदाद खानी घराने में जो जी बंदिशें और गतों पर थोड़ा सा देखिए. तीन किस्म के गतें बजाते थे. एक जो गत थी पुरानी गत है जिसमें बोल बहुत पड़ते थे. जितनी गते है देन खान साहब ने सेकंड स्टेज के अंदर गायकी इंट्रोड्यूस किया. धीरे धीरे धारा डारा डा ढा धीरे धारा डा 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 गले से निकलती है वो बागेश्वरी में. तो धीरे धीरे धारा डा 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 धीरे धारा डा वो बोल है. उसके बाद ग म ध धनी धम और ये गायकी है. तो सेकंड स्टेज गत गत में वो आ गया. और थर्ड थर्ड स्टेज में तो प्रेम गगर ये सारे निशा नहीं था बदम बदनी ये गौरवा की गत सारी धरा ही है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस देयर आर थ्री स्टेजेस इन गत. पहले बोलो फिर मिक्स गला एंड बोल एंड फिर सब्सटेंशियली गला. तो ये तीन किस्म की गते हम लोग बजाते थे. और द प्रॉब्लम इज द टाइम इज एंड आई डोंट वांट टू एक्सीड द टाइम इज आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड. नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है. तीन किस्म की गते हैं बस. और लेकिन एक एक बात मैं बता दूं सितार की और सरोद की गत में क्या फर्क है. जी जहां तक मैंने सुना है समझा है पहले तो ये कि सितार की गत यूजुअली एक आवर्तन में खत्म हो जाती है. और सरोद की गत लंबी होते डार डा डार डा डार करके चलती है. तो वो लंबी चलती है गते. और मेरे को लगता है चार चार में बचता है इससे शायद होता. तो एक तो सितार की गत एक शॉर्ट होती है. सरोद की गत लंबी होती है. सरोद की गतों में आज भी बोल काफी पड़ते हैं जैसे मैंने बिल्कुल जैसी बात करा. और ये आई एम वेरी डाउटफुल व्हाट आई एम सेइंग दैट आई एम राइट और नॉट बट आई एम हर्ड मेनी मेनी सरोद गत विच आर ऑन द अपर ऑक्टेव मतलब खरज में नहीं ऊपर मध्यसप्तक और सात सप्तक में चलती है. बट बाय एंड लार्ज सरोद एंड सितार की गत मिक्स है. काफी सितार ये सरोद की गतें बजाते हैं. सरोद ये सितार की गत बजाते हैं सब नहीं बोलता हूँ. तो ये विलंबित गत जो है वो पहले बहुत स्लो पड़ती थी. इनायत खान साहब के जमाने में जितनी भी गतें हैं वो धा डेर डा डेर डा रा तो ये वो लय में चलती थी. और आजकल धा दिन वो लय में चलती है. उसकी वजह मेरे को लगता है कि वो जमाने में गूंज इतनी साल में नहीं थी और आजकल गूंज साल में ज्यादा है. इसलिए और आलाप का भी जोश ज्यादा है मतलब ठहराव ज्यादा आ गया है. इसलिए तो विलंबित गतों में ये फर्क था. बाकी इतना मैं बता रहा हूँ कि आज भी विनायक खान साहब और हम लोग भी काफी विनायक खान साहब की गत बजाते हैं विलंबित काफी. और इसके अंदर विनायक खान साहब की जो गत है उसमें एक इनोसेंस है एक निर्दोषपन है ऐसा कि छूट जाता है तुमको. तो ये अभी हम लोग तो मेरे स्टूडेंट्स को काफी मैंने इनायत खान साहब की गते बताई थी. अभी ये दिस आर द डिफरेंट गत. आई कैन नॉट से मोर अबाउट इट बिकॉज टाइम नहीं है. बता नहीं ठीक जी गुरु जी 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 बस गुरु जी एक अंतिम प्रश्न अब मन में और आता है
ये कि पिछले 5 से 6 से 7 दशकों तक गुरुजी आप संगीत की साधना और उसकी शिक्षा दीक्षा में लगे हैं। हमारे संकाय प्रमुख सर ने ये कहा भी कि एक शिक्षाविद, एक गुरु आपको वो और संगीतज्ञ के रूप में हम सभी देखते हैं। तो गुरुजी हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इस संगीत के क्षेत्र में जो अभी ढेर सारे आपके जो शिष्यगण हैं जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं, तो उनके प्रति आपका जो योगदान है उसके बारे में थोड़ा सा दो शब्द या दो मिनट। योगदान? जी जी बस जी। देखो सबसे पहले तो करीब 425 गते बनाई है मैंने सीखी है और बनाई भी है। तो ये स्टूडेंट लोगों को मैंने उनके मोबाइल के ऊपर अपलोड करवाया है। तो इसको कभी भी कहाँ भी होवे 425 गतों में से कोई भी राग, करीब 102 राग है जिसके अंदर ये इसे गते बनी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट योगदान जैसे आप कह रहे हैं। इसी तरीके से मैंने देखा कि करीब 50 राग ऐसे है कि जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है। तो एक वीडियो हमने 52 राग का वीडियो बनाया है। हर एक वीडियो इज 20 मिनट मैंने आलाप किया है वो राग का, और 10 मिनट राग का विवेचन किया है कि उसमें खासियत क्या है, कैसे बजाते हैं, क्या नहीं। कोमल गंधार है तो कितना देसी चोरी में लगना चाहिए, तो कितना काफी में लगना चाहिए, फिर कितना बागेश्वरी में लगना चाहिए, कितना तो कहने का मतलब कि ये बारीक बारीक जो बातें हैं ना वो सब उसके अंदर है। तो मैंने ऐसा 52 वीडियोज बनाया है। फिर राग प्रकार टोड़ी के 10-15 प्रकार किए हैं, और सब देर ऑल वीडियो मलार के 10 किए, सारंग के, बिलाव के, सबके भैरव, देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया है। दीज आर वेरी वेरी डियर टू माई हार्ट, क्योंकि एक एक पावर प्रेजेंटेशन 1.5 to 2 hours, और हमारे घराने की पूरी हिस्ट्री अंदर, और कैन इम्प्रोविजेशन बी टॉट फॉर इंस्टेंस, उसके ऊपर भी एक सब्जेक्ट है। तो करीब 31 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। उसके बाद ट्रेनिंग मैनुअल बनाया है, ट्रेनिंग मैनुअल फॉर द स्टूडेंट, हाउ टू होल्ड द सितार, निशान क्या हाथ का होना चाहिए। देखो सितार के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये है, ये हाथ में सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ है? यू विल से सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ है, मतलब के 3 जगह से सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो है ईयर बाग, ये तो खाली हिंज है, मिजागरा है, ये तो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं हो जाते कभी। तो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ये है, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ये जॉइंट है, और एक ये है। तो आलाप का जो शिकारी और शिकारी छेड़ते हो यहाँ से छेड़ना है, जोड़ में छेड़ दो यहाँ से छेड़ना चाहिए, और जाला में शिकारी छेड़ दो यहाँ से। तो दिस काइंड ऑफ इसी तरीके से हमने इंट्रिकसीज ऑफ सितार करके एक वीडियो बनाया है। जवारी कैसे बनानी, जवारी कैसे होनी चाहिए, उस हिसाब से जमाना कैसे, दिस आर ऑल वेरियस व्हाट शैल आई से टेक्निक व्हिच वी हैव लर्न्ड। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन काम जो मैंने किया है वेरी वेरी क्विकली, म्यूजिक फोरम बनाया, अबाउट 33 ईयर्स से चलता है। वी इन म्यूजिक फोरम में देर आर अबाउट 40 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ म्यूजिक, सभी हम लोग एक महीने में एक दफा मिलते हैं। वी डिस्कस वेरियस, एक सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द म्यूजिकल क्लाइमेट ऑफ मुंबई, एंड ये 33 ईयर्स से चलता है। एंड यू कैन टेल मी 33 × 12 इतनी मीटिंग होती है, आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल मीटिंग। तो म्यूजिक फोरम चलता है, बहुत अच्छा चलता है। नेक्स्ट हमने बना इंडियन म्यूजिकोलॉजिकल सोसाइटी, जो 33 आज की मैटर उसको हम कंडक्ट कर रहे हैं। मंथली बैठक जो भाई साहब ने रिफर किया था वो मंथली बैठक अभी 44 बैठक हो गई है, और अभी 45 भी हम करने वाले हैं। वी हैव जस्ट फिनिश्ड वन सेशन।
जिसमें शिव जी आए थे इनॉग्रेट करने के लिए। फिर ऐसा रहे मैं संगीत रिसर्च एकेडमी में सेमिनार्स करते हैं, इंडियन म्यूजिकोलॉजिकल इंटरनेशनल म्यूजिकल काउंसिल का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। तो वो सब एक दूसरा एक दो मिनट और मेरे को चाहिए। ऐसी एक फीलिंग है कि म्यूजिक करना है तो खाली म्यूजिक ही करना, तुम नौकरी करते हो बिजनेस करते हो तो दोनों साथ में नहीं होता। मे बी आई एम एन एक्सेप्शन, आई डोंट नो, बट बिलीव मी आई हैव गॉट बिजनेस एक्विपमेंट फ्रॉम माय फादर और व्हाटएवर। उन्होंने एक नई कंपनी खरीदी थी, मेरे हाथ में दिया, आठ आदमी थे, बोले कि तुम चलाओ फ्रॉम जीरो। फ्रॉम एट पीपल विद इन 10 ईयर्स आई हैड 1500 स्टाफ, आई हैड 50 ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया, we were number one freight forwarder in the country. As a result, I was the president of the Bombay Association, I was president of the Federation of India, and I'm happy to tell you that I am the only Asian, non-European president of the World Federation of 35,000 members. So, aisi baat nahi hai. Air Cargo Agents Association ka I was the president, Intermodal Association ka I was the president. So, business kar sakte hai, aur ye kar sakte hai, it's a question of getting organized. It's a question of disciplining yourself. So that is the message I want to give the students here. कि खाली म्यूजिक के ऊपर नहीं पेट भरेगा। अभी कितने बेचारे कोविड में तो we have established an international foundation for fine arts as a charity organization. Well, anyway, I think I've spoken enough and more. Is there anything? I must thank once again the organizers, Mrs. Singh और सब लोगों का नाम मेरे को याद नहीं है, हमारे गुजराती भाई वगैरह, तो वो thank all of you and I have taken half an hour more, so you are kindly excused. गुरु जी पहले तो हम एक्सक्यूज लेंगे कि आपने एक घंटे के लिए हमसे कहा था और हम एक घंटे 40 मिनट आपको हम बैठाए रखे हैं, और गुरु जी क्या करें, ये मन ही नहीं मानता है कि ये इसको यहीं कहीं स्टॉप कर दें, हम रोक दें, पर जी बहुत बहुत आपका Yes, I had a feeling that somehow शुरुआत के अंदर जो तो सुना सब मेरे को अच्छा लगा, मैंने बोला काफी स्टूडेंट भी होंगे तो let me be a little moderator. जी 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 गुरु जी जी बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी। अब इस कार्यक्रम को इस समापन की ओर बढ़ाते हुए हम अपनी अध्यक्षा मैडम प्रोफेसर संगीता सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो सम्मान पत्र का वाचन करें गुरु जी के सम्मान में। चौधरी जी हमारा स्टूडेंट है, सबको मालूम है ना। जी गुरु जी। ओके गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं संगीता सिंह आपको प्रणाम करती हूँ। गुरु जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? गुरु जी हाँ बोलिए 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 बोलिए। गुरु जी मेरा कुछ विचार आए हैं, गुरु जी आपका ये व्याख्यान सुन के तो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ, आप इजाजत दें तो मैं व्यक्त करूँ गुरु जी। नहीं चलो अच्छा हो गया आपने सब ऑर्गेनाइज किया, मेरे जी, थोड़ा जी, गुरु जी मेरे भाव मेरे थोड़ा भाव को सुन लीजिए गुरु जी, आपका जो व्याख्यान सुन के मुझे ये एकदम समझ में आया कि हर घराना मेरा राम है, हर एक घराना मेरा श्याम है, हर एक घराना अल्लाह है, मार्ग बस पकड़ना है कि एक चाहे वो अल्लाह को पकड़ ले, चाहे राम को पकड़ ले, चाहे कृष्ण को पकड़ ले, क्योंकि सभी घराने सब उस परमानंद की ओर ले जा रहे हैं, लक्ष्य एक ही है गुरु जी, लेकिन हमारे जो विद्यार्थी है बहुत भटक जाते हैं क्योंकि बृहद है एक घराने को ही पकड़ के सिद्धि मिल सकती है। तो मैं मुझे ये समझ में आया कि विद्यार्थियों को ये चाहिए कि जो अच्छा लगे आपको आप एक मार्ग पकड़िए, और जैसे आपने कहा कि अकाउंट भरिए अपना ज्ञान रूपी जो बैलेंस है ज्ञान का वो नेक्स्ट के लिए काम आता है, एक जन्म की विद्या नहीं है। गुरु जी आपने सही कहा ये, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ गुरु जी, ये बहुत हम लोगों के ऊपर माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत अनमोल रत्न आपकी वाणी से जो निकला है ये हमेशा के लिए विद्यार्थियों को
और संगीत जगत में सभी के लिए बहुत ही अनमोल चीज निकल के आई है और जो सबके लिए बहुत ही सार्थक है, सभी इसका बहुत फायदा उठाएंगे गुरुजी। और मैं आपके सम्मान में बहुत ये वाद्य विभाग से एक सम्मान पत्र वाचन करती हूँ गुरुजी, इसको स्वीकार करें। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय 5 से 7 सितंबर 2020 तक आयोजित भारतीय संगीत में घराने की समृद्ध परंपरा में प्रख्यात संगीतविद पद्म भूषण पंडित अरविंद पारिक जी द्वारा सितार वादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान एवं अनवरत ज्ञानवर्धन से जो संगीत साधना का मूल सुधी समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है वह संगीत जगत में वंदनीय है। संगीत के क्षेत्र में आपके महनीय योगदान के लिए वाद्य विभाग आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है। हम आपके सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं गुरुजी, आपको सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। जी धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत। अब हम अपने संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश सहसर को हम इनवाइट करना चाहेंगे कि वो धन्यवाद ज्ञापन वो हमारी तरफ से हम सबकी ओर से वो करें। सादर को पूछना है। जी जी अच्छा जी जी एक मिनट। नहीं नहीं गुरुजी, दो मिनट गुरुजी प्लीज। दो मिनट बस। नमस्कार। नहीं 2 मिनट गुरुजी प्लीज। सर आप प्लीज। हेलो हाँ जी हाँ पंडित जी, बस 2 मिनट के लिए आपको और श्रम हम लोग देंगे, 2 मिनट के लिए बस आप बने रहें। सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर बराबर में सुन रहे हैं। जी 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 धन्यवाद शोभित जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको दी गई है संपूर्ण व्याख्यान के धन्यवाद के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, पहले ये कहूंगा कि 92 या 93 इयर्स की अवस्था में आज 92 या 93 वर्ष के हो चुके हैं पंडित जी, सबसे पहले हम संगीत विभाग वाद्य विभाग और अब संगीत एवं मंच कला संकाय काशी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से ये भगवान से प्रार्थना करते हैं काशी विश्वनाथ कि आप शतायु हों पहले और हम शतायु हो के फिर से आपको इसी तरह से फिर से एक बार हम लोग सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हों, प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, ये हमारी हम लोग की सबसे पहले कामना है। धन्यवाद मैं आपको क्या दूंगा, आज जितना गहनता से आपने विलायत खां साहब इमदाद खां घराने के जितनी भी चीज़ें हम लोग को बताई हैं पलटों से लेकर गतकारी, उनके आलाप करने का ढंग और बहुत से अनछुए पहलू जो विद्यार्थी जानना चाहते थे और शायद अभी अधूरा भी होगा, लेकिन आपने बहुत कुछ बताने का कम समय में प्रयास किया, हम लोग के लिए बहुत ही अनुकरणीय होगा ये। और आपने ये भी प्रयास किया कि विद्यार्थी सभी हर तरह का काम करते हुए भी संगीत के प्रति अपनी जो निष्ठा है वो जारी रख सकते हैं, रियाज जारी कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और अनुकरणीय किसी का अनुकरण करके अच्छी जगह पर आप अपना स्थान बना सकते हैं संगीत में भी व्यवसाय में भी। बिल्कुल हम सही। जी हम लोग के मध्य आप आए और इतना समय हमने आपका ले लिया है और आपको श्रम जरूर पड़ता होगा बैठने में, मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग इस एज में हैं तब घंटे दो घंटे बैठने पर हम लोग कहते हैं कि अब थकान हो गई है, तो आप जैसे 93 वर्ष की अवस्था में हम लोग ने आपको एक जगह बैठा दिया है ये जी। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं पहले तो। धन्यवाद हम आपको क्या देंगे, हम लोग धन्यवाद देने के काबिल अभी अपने को बना रहे हैं। और पंडित जी अगर आग्रह स्वीकार करें कभी तो वाराणसी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जरूर एक बार पधारें। पता नहीं मुझे आप आ चुके हैं कि नहीं, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मैंने जैसे संगीत क्षेत्र में कदम रखा है मैंने आपको बनारस में तो नहीं पाया है। उस्ताद विलायत खान साहब जरूर आ चुके हैं यहाँ पर,
मेरे हम लोग की ये प्रार्थना है। और मैं बनारस में बजाया हूँ, टाइम हो गया। जी 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 जी, उस समय संगीत परिषद हुआ करता था, शायद उसमें आए होंगे आप। संकट मोचन हॉल है ना उधर? जी जी, संकट मोचन, जी संकट मोचन समारोह। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हम लोगों को अपने घराने के विषय में जो भी ज्ञान दिया है, हम इसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग के मध्य बहुत से सितार के कलाकार और विद्वान भी उपस्थित हैं, शायद आप परिचित भी होंगे, प्रोफेसर शाहिद कुमार नाहर जी, प्रोफेसर सव्यसाची जी रविन विश्व भारती से, मीता नाग जी, पंडित मणिलाल नाग जी की सुयोग्य सुपुत्री भी उपस्थित होकर सुन रही थी आपको, और हमारे संकाय के जितने भी प्रोफेसर हैं वो सभी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सबको आपको नहीं दिखा सकते। पंडित नित्यानंद हल्दीपुरकर जी, जब भी हम लोग व्याख्यान करते हैं पंडित जी अवश्य उपस्थित होते हैं। डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपस्थित रहने के लिए। सर मुकेश गर्ग जी का परिचय शायद आपसे हो पंडित जी, मुझे नहीं मालूम है। बहुत ही संगीत के प्रति निष्ठा रखने वाले, और जिसको कहते हैं बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए प्रसिद्ध हैं, और खुद संगीतकार भी हैं और हिंदी साहित्य के भी विद्वान हैं। मैं सभी को देख नहीं पा रहा हूं, फिर भी जिनको मैं देख पा रहा हूं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने इतना अमूल्य समय दिया। सव्यसाची जी सामने हैं पंडित जी आपके, प्रोफेसर सव्यसाची सरखेल जी विश्व भारती से, दूसरे तो पंडित जी मैं ये आप हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार करें, और हम लोग सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं पुनः आग्रह करूंगा कि फिर कभी जब हम लोग आपको याद करें जरूर उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको, और जितने लोग उपस्थित थे हमारे विद्वजन और जितने विद्यार्थी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सर आपका धन्यवाद। गुरु जी बस आधा भी बस दो 10 सेकेंड और, ये परम सौभाग्य मेरा रहा कि मैं आपका शिष्य आपके चरण वंदन में करते हुए आपसे इतनी ज्ञानार्जन बातें आपसे सब सब सबको सुनने को मिली है, और बस आपका धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। चरण स्पर्श आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि हम सुबह कल फिर पुनः 11 बजे हम सभी फिर से इसमें इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप सभी का बहुत 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 कोटि धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।